आज हम डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग में ट्रबल शूटिंग कमांड्स के बारे में। ट्रबल शूटिंग कमांड्स में काम करने के लिए स्टार्ट CMD DOS को ओपन करेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट होगा। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कमांड्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वालेकुम सलाम, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ऑल द आईपी एड्रेसेस ऑफ दिस कंप्यूटर, तो मैं जो कमांड इस्तेमाल करूंगा वो है IP config। IP config कमांड हमें दिखा रही है कि इस वक्त इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.6। इसको क्लास सी का आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया गया है जिसमें 3.255 और 1.0 है। इसके अलावा हमारा गेटवे एड्रेस है 192.168.1.1 जो कि PTCL का सर्वर आईपी एड्रेस है। डियर स्टूडेंट्स, आईपी कॉन्फिग / क्वेश्चन मार्क पुट करने से इस कमांड की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, सिंपल आईपी कॉन्फिग कमांड शोज इंफॉर्मेशन IPconfig./all आपको तमाम आईपी एड्रेसेस शो करेगा। IPconfig/renew आपके अडॉप्टर के आईपी एड्रेस को रिन्यू करेगा। IPconfig/renew EL*, तो रिन्यू किसी भी कनेक्शन को करेगा जो कि EL से स्टार्ट होगा। IPconfig/release एक आईपी एड्रेस को रिलीज करेगा, यानी कि आईपी एड्रेस को रिमूव कर देगा। अगर आईपी एड्रेस से ही काम नहीं कर रहा तो आप उसको IPconfig/release कर सकते हैं। IPconfig/all compartments all compartments का मतलब है कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स के डिटेल्ड आईपी एड्रेसेस आपने देखने हैं, तो आप IPconfig/all apartments और all compartments/all कर देंगे तो ये कमांड भी आपकी एग्जीक्यूट होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम IPconfig/all को देखते हैं। IPconfig/all हमें हमारे कंप्यूटर का होम एड्रेस, हमारे नेटवर्क कार्ड की डिटेल, हमारा DHCP कनेक्शन की डिटेल, हमारा IP version 6, IP version 4, गेटवे, DNS और डिफॉल्ट गेटवे के बारे में बता रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम इस कंप्यूटर के IPconfig/IP address को रिलीज कर देते हैं। आफ्टर रिलीजिंग आईपी एड्रेस, डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां कनेक्टिविटी नजर नहीं आएगी, नो इंटरनेट एक्सेस। इन केस आप इसको दोबारा से आईपी एड्रेस देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे IPconfig/renew। रिन्यू करने पर दोबारा कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। IPconfig/all compartments/all आपके तमाम कंपार्टमेंट्स, तमाम कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को यहां पर शो करेगा। IPconfig/flush DNS आपके DNS एड्रेस को फ्लश करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आपका DNS सर्वर काम न करने की वजह से आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो आप ये कमांड ऑपरेट करेंगे तो DNS रिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा। दिस इज आवर फर्स्ट कमांड IPconfig। नेक्स्ट कमांड है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP/question mark पुट करने पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी।
ARP command displays and modifies the IP to the physical address and translates the table by using address resolution protocol. अब फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क के ऊपर मौजूद तमाम कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एआरपी स्पेस माइनस ए। तो आपके इस वक्त मौजूदा जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनकी डिटेल शो हो रही है कि जी 192.168.1.1 आपके सर्वर का आईपी एड्रेस है, आईपी वर्जन 4 और उसका आईपी वर्जन 6 सामने लिखा हुआ है। ये एक डायनामिक आईपी एड्रेस है। 192.168.1.3 और साथ में आईपी वर्जन 6 एक डायनामिक आईपी एड्रेस है। एंड सिमिलरली आपके नेटवर्क पर इस वक्त जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उन सब के आईपी एड्रेसेस आपके पास आ चुके हैं। आईपी कॉन्फ़िग आपको एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस शो करेगा जबकि एआरपी आपके नेटवर्क पर मौजूद तमाम कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को शो कर लेता है। ARP/-A के अलावा ARP/-G भी आउटपुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट ही आएगा। ARP/-V करेंगे तो जितनी भी वैलिड एंट्रीज हैं यानी कि जो आपके अपने आईपी एड्रेसेस हैं नेटवर्क के वो शो होंगे। उसके अलावा आपको ये जो एडिशनल आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं 224.0.0.2 जो कि आईपी वर्जन 4 से ताल्लुक रखते हैं आपके नेटवर्क में मौजूद नहीं है, ये DNS सर्वर के आईपी एड्रेसेस हैं, शो रहे हैं। अगर वी कमांड लगाएंगे तो ये शो नहीं होंगे। सिमिलरली ARP के साथ 2-3 स्विचेस आपके मजीद भी हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कमांड है पिंग। पिंग की कमांड किस मकसद के लिए है? पिंग की कमांड इसलिए है कि आप नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स में कनेक्टिविटी को चेक कर सकें। टू चेक द कनेक्टिविटी आप लिखते हैं पिंग स्पेस आईपी एड्रेस ऑफ द अदर कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त कनेक्टेड कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.7। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर उस कंप्यूटर के साथ डाटा शेयरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैं पिंग कमांड लगा के 192.168.1.7 लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो पिंग कमांड से हमारे कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया और हमें एक रिप्लाई मिला, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.7। और ये रिप्लाई हमें 4 दफा मिला। पिंग की कमांड को 4 बाइट सेंड हुए, 4 बाइट रिसीव हुए। इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है और डेटा को रिसीव भी कर रहा है। इन केस इस रिप्लाई की बजाय यहां पर हमारे पास लिखा हुआ था रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर डेटा शेयरिंग नहीं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट कमांड इज NS lookup। NS lookup कमांड के लिए NS lookup/?। आपको NS lookup कमांड की डिटेल बताएगा कि NS lookup कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर NS lookup कमांड का यूजेज है कि NS lookup स्पेस ऑप्शन यानी कि स्पेस आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मैं NS lookup कमांड की मदद से google.com का आईपी एड्रेस फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा NS lookup स्पेस वेबसाइट का नाम google.com, yahoo.com, msn.com। जिस वेबसाइट का नाम लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे NS lookup उसका आईपी एड्रेस आपको दे देगा। यहाँ पे गूगल के होम राउटर का एड्रेस है 216.58.207.14। इन केस में इस NS lookup को की मदद से फाइंड किए हुए गूगल आईपी एड्रेस को पिंग कमांड लगा देता हूं तो मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर गूगल की स्पीड फास्ट हो जाएगी। लेट्स सी हाउ। पिंग कमांड को इनफिनिटली पिंग लगाने के लिए आप लिखेंगे पिंग स्पेस गूगल आई पी एड्रेस 216.58.207.14 स्पेस -t। दिस कमांड इज नोन एज इन्फिनिट पिंग कमांड। इन्फिनिट पिंग कमांड जब आप अप्लाई करेंगे तो जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। आप डॉस प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर दें और गूगल की वेबसाइट को ओपन करके देखें।
जैसे ही आप गूगल की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो विद अ हाई स्पीड गूगल की वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले होगी। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल की वेबसाइट को लॉन्च करें। यहां आप एड्रेस बार में एड्रेस बार में जैसे ही आप गूगल का आईपी एड्रेस लिखेंगे विद इन 5 सेकेंड्स गूगल की वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही आपने गूगल का नाम लिखा गूगल की वेबसाइट विद इन अ सेकेंड आपके सामने डिस्प्ले हो गई। यानी गूगल सर्च से रेलेवेंट आप कोई भी सर्च करेंगे तो यहां पे विद अ हाई स्पीड आपके सामने सर्च का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने गूगल को पिंग किया हुआ है, इन्फिनिट पिंग। और जब तक ये पिंग कमांड चल रही है गूगल की वेबसाइट आपके कंप्यूटर में इसी स्पीड से ओपन क्लोज होगी। तो जब आप इस पिंग कमांड को स्टॉप करना चाहें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप आएंगे और कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे, डॉट प्रॉम्प्ट में आपकी कमांड स्टॉप हो जाएगी। इन केस आप कहते हैं पिंग स्पेस 192.168.1.1 स्पेस माइनस टी। 192.168.1.1 इज द आईपी एड्रेस ऑफ पीटीसीएल सर्वर जहां से मैंने डीएसएल का कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप इस पे पिंग लगा देंगे इन्फिनिट, तो थ्रू आउट इंटरनेट आपके कंप्यूटर में हाई स्पीड से चलेगा। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो पिंग कमांड आपके पीटीसीएल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रही है बार बार कि ये रिसोर्स मुझे दे दो, ये रिसोर्स मैंने यूज करना है, तो किसी और कंप्यूटर को ये रिसोर्स नहीं देना। अब जब पिंग कमांड बार बार आपके सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेज रही है तो आपका सर्वर मजबूरन वो रिसोर्स आपके ही कंप्यूटर को देगा, तो दूसरे कंप्यूटर्स को वेट करना पड़ेगा जबकि इस कंप्यूटर पर आपके इंटरनेट की स्पीड हाई स्पीड हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की पिंग कमांड, एआरपी कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड एंड एनएस लुकअप कमांड। आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो भी खुद बनाई है सर जी।